जब 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 स्थानीय मुद्दा आएगा तब यहाँ के लोग भाग जाएंगे जो बीजेपी के हैं, क्योंकि यहाँ 7 विधायक हैं बीजेपी के, 2 सांसद हैं और 1 यूनिवर्सिटी जब यहाँ पर आई देवी पाटन मंडल के नाम से। हम प्रधानमंत्री का चुनाव है, जब सांसद जीत के जाएंगे तब, लेकिन हम प्रधानमंत्री से सवाल करने जाएंगे। हम मतदाता हैं, आपके पास अधिकार है, तो हम अपने सांसद से जाएंगे, सांसद हमारे स्विच ऑफ हैं, वो यहाँ से जीत कर चले जाएंगे। हम प्रधानमंत्री का है मानते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री चुनेंगे, लेकिन हम लोग सांसद के ही जाएंगे। कोई समस्या होगी, रोड की होगी, बिजली की होगी, तो हम लोग सांसद को चुनेंगे। आप पश्चिम बंगाल, केजरीवाल, पंजाब, तमिलनाडु चले जा रहे हैं, हम लोग गोंडा पूरे देश की बात हो रही है सर, गोंडा पे ही पूरे देश का सुना है। तो यूनिवर्सिटी आई यहाँ सात वो अब नहीं सुनेंगे। जब 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 स्थानीय मुद्दा आएगा तब यहाँ के लोग भाग जाएंगे जो बीजेपी के हैं, क्योंकि यहाँ 7 विधायक हैं बीजेपी के, 2 सांसद हैं और 1 यूनिवर्सिटी जब यहाँ पर आई देवी पाटन मंडल के नाम से, तो कोई ना 7 विधायक ऐसे आप नहीं भाग से, ऐसे भागोगे, इनके सवालों का जवाब कौन देगा? आप ये जब क्षेत्रीय मुद्दे पर आएंगे, ये पाकिस्तान के मुद्दे पर ये जवाब बोलेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर आप क्षेत्रीय मुद्दे पर आएंगे जैसे भाग जाएंगे, क्योंकि इनको क्षेत्रीय मुद्दा है ही नहीं, जानते हैं कि हम कोई नहीं पाएंगे। यहाँ ये स्विट्जरलैंड चले जाएंगे जीतने के, यहाँ राजा या कोई नहीं, नहीं जीतने के बाद, हारने जीतने की बात तो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते रहे लोग कि वो इटली चले। हम कह रहे हैं ना, हमको अपने सांसद से मतलब है, हमें अपना, हम कहाँ जाएंगे, हम राहुल गांधी से, मान लीजिए हम इंडिया गठबंधन सरकार की, तो हम भी राहुल के गांधी से नहीं जा पाएंगे ना, हम तो अपने सांसद से मतलब है, और सांसद हमारा तो चला जाएगा स्विट्जरलैंड, तो हम किससे समझ चले जाएंगे ना, तो हम राहुल गांधी के जा पाएंगे ना मोदी जी के पास जा पाएंगे। आप ये बताइए, यूनिवर्सिटी आई थी तो यहाँ कोई नेता या विधायक बोला कि नहीं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आनी चाहिए? 70 जो डिग्री कॉलेज बना उनका बर्बाद हो जाता, इसीलिए नहीं बोला गया और सभी को बोल दिया गया। और जब उनके उससे सवाल पूछा मीडिया वालों ने कि आपने विश्वविद्यालय जब आया तो आप लोग यहाँ क्यों नहीं, उन्होंने कि सपा वाले वहाँ धरना करके बलरामपुर लेकर चले, तो हम क्या करें? अब सपा वाले मजबूत हो गए कि वो विपक्ष में होते हुए बलरामपुर डिग्री कॉलेज लेके चला गए, और ये 7 विधायक और 2 सांसद हुए डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं ला पाए, तो इसका मतलब यहाँ भी सपा वाले होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में होते हुए डिग्री कॉलेज वहाँ जब सपा वाले ले जा सकते हैं तो सत्ता में आ जाएंगे तो 2-4 डिग्री कॉलेज और बन जाएगा। हम पीएम जो है, जैसे विधायक दल की मीटिंग होती है, जैसे विधानसभा का चुनाव होता है तो विधायक दल की मीटिंग होती है, जैसे योगी पहले यहाँ जब यूपी का चुनाव हुआ था तो यूपी यहाँ मुख्यमंत्री का दिया था नहीं दिया था ना, तब उन्होंने यहाँ कहा था कि जो विधायक हमारे चुन के आएंगे, जो हमारे विधायक चुन के आएंगे निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री किसको बनाया है। जब हम यहाँ के सांसद चुन के भेजेंगे तो सांसद लोग अपना मंत्री बनाएंगे, हम लोग नहीं बनाएंगे, सांसद लोग बनाएंगे जो यहाँ से चुन के जाएंगे। और जो बार बार घेरा जा रहा है कि विपक्ष का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो प्रधानमंत्री कौन होगा, वो सांसद लोग चुनेंगे, हम नहीं चुनेंगे, वो सांसद लोग चुनेंगे और सांसद लोग को हम चुनेंगे। चलिए, आपने कहा कि महागठबंधन की जो बात होगी, सांसद इकट्ठा होंगे तो चुने जाएंगे, लेकिन जो समन्वय है, असमंजस जो है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, सब वही है ना, जैसे हमने बताया आपको अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे पंजाब का मुद्दा अलग है, दिल्ली का मुद्दा अलग है, पश्चिम बंगाल का मुद्दा अलग है, पंजाब जो है वो किसान संसद में तो सभी सांसद आएंगे ना। हाँ, तो वही हम बता रहे हैं। तो जैसे पंजाब, आप पूछ रहे हैं कि जैसे क्या कहते हैं, आप और कांग्रेस दोनों आपस में, वहाँ जब बीजेपी है ना, विपक्ष भी तो रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग लड़ा रहे हैं आपस में लड़ने की विपक्ष भी बना रहे, विपक्ष भी मजबूत रहे और मोदी जैसा नहीं कि विपक्ष को कर दो। हम लोग वहाँ पर इसलिए लड़ रहे हैं कि विपक्ष भी ना रहे, क्योंकि वहाँ विपक्ष भाजपा है ही नहीं, और विपक्ष भी हम सब लोग अकाली दल का संगठन है, अकाली दल खत्म, अकाली दल खत्म। हम लोग इसलिए वहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं कि विपक्ष भी बना रहे। हम लोग वॉशिंग मशीन नहीं लगाए हैं, जो गलत हम लोग मान लिए गलत ही कर दें वहाँ के सांसद, तो विपक्ष भी हम लोग खड़ा कर रहे हैं उसलिए कि विपक्ष भी बोले। अच्छा। इसलिए वहाँ हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस बात का तो निर्णय पब्लिक करेगी, क्योंकि समझते सब हैं क्या कहना चाह रहे थे। अब एक मिनट, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आप लोग, जो आप पूरे देश की बात करें, जो मणिपुर में घटना हुई, प्रधानमंत्री जी आज तक क्यों नहीं गए, चुनाव हो गए आज तक क्यों नहीं गए, क्यों नहीं मिले, क्या वहाँ पे जनता नहीं रहती उनकी, क्या वो देश में हमारे हिस्सा नहीं है क्या, वो वहाँ पर क्यों नहीं गए? उसका काउंटर तो जो है बंगाल का जो घटना, पहले आप मणिपुर
मणिपुर की आप बात करिए, मणिपुर में सरकार किसकी थी? भाजपा की थी। वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बदला क्या? क्या हुआ घटना वहाँ पे? औरतों को नंगा करके घुमाया गया, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? सरकार जवाब दे। आप बात कर रहे हैं आज जैसे कि कौन होगा, संदेश खाली का मैटर काउंटर कर रहे हैं। पीएम जो पीड़ित महिला थी उसको सांसद का प्रत्याशी बना दिया वहाँ पर, वो उन्होंने क्यों किया वहाँ पर? क्यों किया? वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ पे अपना हल्ला बोल कर रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे लिए, हम हैं केवल बिखराव करने के लिए। ठीक, मणिपुर में ऐसा क्या हुआ जो नहीं जा सके? मणिपुर में क्या उनको आज तक प्रत्याशी एक नहीं मिला? क्या ऐसी उनके पास क्या स्थिति थी जो उनको प्रत्याशी ही नहीं मिला? वो बात करते हैं जैसे राहुल गांधी कि वहाँ चले गए केरल चुनाव लड़ने के, वो आप वायनाड में वायनाड लड़ने चले गए, वायनाड से गए तो वो मोदी जी क्यों यहाँ बनारस चुनाव लड़ने आए? गुजरात में लड़ लेते ना, का वो एरिया नहीं है, मुख्यमंत्री है, घर उनका वहाँ है, तो क्या वायनाड लड़े गए? वो तो वायनाड से यहाँ फिर आ गए, वो भी अपना गुजरात से दो चुनाव लड़ लेते जैसे कह रहे थे राहुल गांधी भाग गए। सुनिए, सत्ता पक्ष तो मुद्दा बना रहा कि जब तक वायनाड में वो नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुआ, तब तक कोई इशारा नहीं था, जब वहाँ वोटिंग हो गया तब ये रायबरेली में आए। तो भाई उनका जो निर्णय था वो अपना अंदर चल रहा था। वो कह रहे हैं कि जैसे जब उनको पता चल गया है कि इस बार वहाँ से जो है राहुल गांधी जी हार रहे हैं तब रायबरेली आए। तो उनको पहले से गुजरात हम हार देंगे इसलिए चुनाव वहाँ नहीं लड़े थे? वो भी वहाँ लड़ लेते क्या? वो तो लड़े हैं जाके ना, लड़ेंगे कोई बात नहीं, चलो तो चुनाव हिम्मत तो क्यों लड़े? वो उनका मुख्यमंत्री रह चुके, फिर मंत्री हैं, वो बनारस ही क्यों चुन रहे हैं बार बार? वो भी लड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी, उन्होंने अमेठी छोड़ी, राहुल गांधी ने अमेठी से रायबरेली, आज रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वायनाड भी लड़ रहे हैं, रायबरेली आ गए, क्या उनका राहुल गांधी तो आ गए यूपी में हैं, आए थे तो उनको अमेठी से ही लड़ना चाहिए था ना? नहीं तो पुराना तो उन्होंने प्रत्याशी ना दिया, हमने मतलब उन्होंने दिया, ऐसा नहीं है उन्होंने बाहर का सलाह दिया, उन्होंने अपना। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी इसलिए छोड़ी कि कांग्रेस वहां से जो है इस बार खत्म हो रहा है। नहीं, जैसे उनकी अब उम्र हो चुकी चुनाव की ना, वो भी बुजुर्ग हैं। राज्यसभा गई कि नहीं गई? राज्यसभा गई लेकिन उनकी उम्र हो चुकी, अब उनके पास वो मेहनत, फिर तो रिटायरमेंट लेना चाहिए। रिटायरमेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं राज्यसभा नहीं, राज्यसभा गई, इलेक्शन भी सांसद भी चुनाव लड़ना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या आया, उन्होंने सोनिया गांधी को नहीं लड़ाया, तब ये बता रहे हार रही थे, सोनिया गांधी को लड़ा देते तो ये बीजेपी वाले परिवार वाल लगाते। सबसे बड़ी इतने दिनों से लड़ते आई थी तब, अरे सर सुनिए, इतने दिनों से लड़ते आए, राष्ट्रवाद का परमिट बना रहे थे यहीं पर खड़े कि विपक्ष में राष्ट्रवाद नहीं, राम सबके हैं, भारत का हर नागरिक भारत का है, वो भारतीय है, सब राष्ट्रवादी है, कोई भारत के खिलाफ नहीं बोलता है। ये जो बीजेपी वाले हैं जो अगर बोलते भाजपा वाले बोलते हैं भारत के, उनको अपने में लेकर के उनको फिल्टर कर देते हैं, वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं और राम के हो जाते हैं। अगर बाहर रहें तो ईडी सीबीआई जाती है, उनको राष्ट्रद्रोही बताएंगे, राम के विरोधी बताएंगे, और अपने में जब ले लेते हैं वॉशिंग मशीन में इधर से डालते हैं इधर निकालते हैं, राष्ट्रहित में हो जाता है। ओपिनियन यही है, चाहे सरकार ये आए चाहे वो आए, जो रोजगार देगा वो रहेगा, ठीक है? ना मंदिर है ना मस्जिद है, ना मंदिर कोई तोड़ सकता, बन गया तोड़ सकता, किसी माइक लाल में औकात नहीं है, और मंदिर चार बार जा चुके हैं, ठीक है? हम भी राम के भक्त हैं, समझ में आया? भाजपा को वोट देते थे, दे रहे थे खानदान से, नहीं देंगे मरते दम तक नहीं देंगे, इस बात को हम खुल के बोल रहे हैं। 2019 में हम लोगों की भर्ती हुई थी एयरफोर्स की, ज्वाइनिंग लेटर आके घर पे रखा हुआ है, ठीक है? ट्रेनिंग करना था अगस्त में, शायद सबको पता होगा, गृहमंत्री जी महोदय आते हैं, मतलब उसके बाद में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष आते हैं, सीधा कहते हैं भर्ती कैंसिल हो गई। कहाँ लिखा हुआ है साहब, आप बताइए कहीं लिखा है कि मतलब जो कुछ हो गया वो कैंसिल हो जाए? यहाँ लड़के बैठ के पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ बैठ के, ना आप पूछते ना बताना चाहते हैं, नहीं आप बोल रहे हैं पब्लिक मुद्दा चल रहा है। कभी रोजगार की बात आप लोग कर लीजिए, करें यहीं पे आए थे इंडिया टीवी न्यूज़ वाले, उनको हम क्या बताएं, कभी हमसे मिले तो उनको हम बहुत अच्छे से उनसे बात करेंगे, वो एक बात हम लोग दिखाए ही नहीं, उनके पास और आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं, आप लोग केवल परिवारवाद किस में नहीं है, भाजपा में नहीं है, सपा में नहीं, किस में, सब में है, कोई कहने वाला परिवारवाद का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को कोई चलाए ना, परिवार सबके यहाँ परिवारवाद है, कोई ये नहीं कि सर मेरे यहाँ परिवारवाद नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके यहाँ परिवारवाद नहीं है। राजनाथ जी के लड़के कौन है? पंकज सिंह भैया, वो कौन है? वो अपने यहाँ देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, कौन है ये लोग? परिवारवाद नहीं है। आप लोग विकास से बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए, क्या हो रहा है? आप लोग ही पता नहीं कैसे बातें कर रहे हैं, यहाँ खड़े होकर हम तब से सुन रहे जा रहे हैं रोड से। अच्छा, आपने कहा कि बेरोजगारी पर बात करिए, इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? समाधान सरकार करेगी। लेखपाल की भर्ती फाइनल हुई, आपको पता होगा, हमारे घर के भी दो एक दो भैया हैं सेलेक्ट हुए हैं, हमारे हित मित्र सेलेक्ट हुए हैं, आप उसको कोर्ट में भेज दिए, आपको पता था इस भर्ती में लोचा, आप क्यों उसको फाइनल कर दिए? फाइनल ही ना करते, आपको पता था इसमें गड़बड़ी, आप उसको मत फाइनल करिए, शायद आपके
कि हमारे जैसा कोई हो भविष्य में वो भी पढ़ेगा तो आपको भी दर्द समझ में आएगा जो लोग आज गा रहे हैं। सरकार कोई गलत नहीं होती है, गलत उसके काम होते हैं। ठीक है भैया, यही तो मुद्दा है भाई, यही तो समस्या है। कैसे सुधरेगा सिस्टम, कैसे सुधरेगा, कौन सुधारेगा? सिस्टम सुधारेंगे हम लोग।